आगे बढ़ेंगे बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच आज से मिनी लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। राज्य सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए 14 अप्रैल रात 8 बजे से यानी कि आज से 15 दिनों का राज्यव्यापी कर्फ्यू यानी कि मिनी लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। संक्रमण के मामले चिंताजनक तरीके से बढ़ने के मद्देनजर जो है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नीत महाविकास अघाड़ी सरकार ने 14 अप्रैल से 15 दिनों का राज्यव्यापी कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वह प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए वह पश्चिम बंगाल से या पूर्वोत्तर राज्यों से ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए सैन्य विमान भेजें। ठाकरे ने राज्य के लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा है कि बुधवार की रात 8 बजे से कर्फ्यू शुरू हो जाएगा और आवश्यक सेवाओं को ही इसमें छूट दी गई है। साथ ही ठाकरे ने कहा है कि लॉकडाउन की तरीके की तरह जो है पाबंदियां लागू रहने तक आपराधिक दंड प्रक्रिया की धारा 144 लागू रहेगी। हालांकि उन्होंने नई पाबंदियों को लॉकडाउन नहीं कहा है। ठाकरे ने कहा है कि कोरोना वायरस के चलते जारी कर्फ्यू के चलते जो है राज्य सरकार अगले 1 महीने तक हर गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल जो है वो फ्री मुहैया कराएगी। महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन मुहिम की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या जो है ब्रेक द चेन है उससे कुछ असर पड़ेगा, क्या इसे कोरोना के संक्रमण को रोका जाएगा और क्या ये भी कि लॉकडाउन बस नाम का ही होगा या फिर असली में लॉकडाउन भी किया जाएगा। तो आज से जो है महाराष्ट्र में कर्फ्यू मिनी लॉकडाउन लगना शुरू हो जाएगा। रात 8 बजे से लॉकडाउन की तस्वीरें जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी। तो महाराष्ट्र में आज से मिनी लॉकडाउन जो कि अगले जो है 15 दिनों तक चलने वाला है कोरोना कर्फ्यू, जिसका ऐलान खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल किया है। तो कल उद्धव ठाकरे ने राज्य की जनता को संबोधित किया था और अपने संबोधन में उन्होंने लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों पर चर्चा भी की थी, लेकिन जिस तरीके से तमाम जो बातें मुख्यमंत्री ठाकरे ने कही है उसमें यह कहा भी गया है कि ब्रेक द चेन के जरिए जो है हम इस बार कोरोना के मामलों को रोकेंगे, इस चेन को तोड़ेंगे, हम ट्रेसिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सारिका जैन है जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है। सारिका जी स्वागत है आपका। जी सारिका जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं ऐसे में मुख्यमंत्री ठाकरे ने अब कह दिया है कि अगले 15 दिन जो है लॉकडाउन रहेगा, इस ब्रेक द चेन से महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार कैसे तोड़ पाएगी? देखिए ये बहुत जरूरी था लॉकडाउन होना, क्योंकि वहाँ पर डे 60,000 अगर केस आते हैं तो उस हिसाब से देखा जाए तो जनता बहुत ज्यादा पहले ही त्रस्त हो चुकी और अब फिर ऐसी नौबत आ गई है। तो महाराष्ट्र सरकार को तो पहले ही सजग हो जाना चाहिए था, पहले ही समझना चाहिए था कि किस तरह से हम लोग इसका निष्कर्ष निकाले। और ना वहाँ पर टेस्टिंग प्रॉपर हो रही है, ना ट्रैकिंग, ना ही ट्रीटमेंट हो रहा, ना उस अस्पतालों की उचित व्यवस्था है उधर। तो ये जो लॉकडाउन है ये बहुत जरूरी था और होना भी चाहिए था। ठीक है, हमारे साथ संजय गुप्ता भी है जो की शिवसेना के प्रवक्ता है। संजय जी स्वागत है आपका। धन्यवाद संजय जी। एक बार फिर से महाराष्ट्र में जो हालात बने हुए हैं वो बेहद ही चिंताजनक है, ऐसे में महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार ने एक बार फिर से जो है मिनी लॉकडाउन लगा दिया है, क्या इस मिनी लॉकडाउन से संक्रमण रोकने में सफल हो पाएगी सरकार? देखिए ऐसा है कि जिस वक्त कोरोना हमारे देश में आया था पिछले साल जी, तो केंद्र सरकार के लॉकडाउन लगाने से पहले ही 1 हफ्ता पहले महाराष्ट्र सरकार ने कदम उठाते हुए मिनी लॉकडाउन लगाया था, कई पीवीआर मॉल्स रेस्टोरेंट्स को बंद किया था। ठीक है, और जो कदम केंद्र सरकार को पहले उठाना चाहिए था वो कदम महाराष्ट्र सरकार ने पहले उठाया था। और आज की डेट में जिस तरह से लॉकडाउन को लगाया गया है वो कई देशों के लॉकडाउन की समीक्षा करने के बाद इस तरह से लगाया गया है कि जिससे किसी भी तरह की लोगों को अपने काम व्यवसाय में आने जाने में भी दिक्कत ना हो और जीवन भी सामान्य रहे। तो जी बात पूरी करिए, तो मुझे लगता है कि इससे और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी सीखना चाहिए और इसी तरह के मापदंड अपनाने चाहिए कि जिससे जीवन भी सामान्य रहे और लोगों की सुरक्षा भी हो।
लेकिन संजय जी, यहाँ पर केंद्र बनाम राज्य नहीं है। अब लगातार एक महामारी आ रही है देश में, तो लगातार तमाम मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से तमाम गाइडलाइंस जो आई हैं, अकाली सरकार ने जो नई गाइडलाइंस जारी की, इसमें ट्रांसपोर्टेशन को जो है फिलहाल खुला छोड़ा गया है, क्या आपको लगता नहीं कि पलायन इससे होगा और अधिक संक्रमण फैलेगा? नहीं, देखिए पलायन की बात यह है कि जैसे पिछले साल जब मोदी साहब ने एकदम से संपूर्ण लॉकडाउन लगाया था, तो जिस भी आदमी ने जहाँ जाना था वो वहाँ गया, चाहे उसको पैदल जाना पड़ा, चाहे साइकिल पे जाना पड़ा, चाहे कैसे भी जाना पड़ा, और कितने लोगों की अकाल मृत्यु हुई। मगर अगर इस लॉकडाउन की बात करें तो इसमें अगर किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं आना है, तो उससे उसको उसको सुविधा रहेगी और वो आ जा सकता है। तो इसलिए इस ट्रांसपोर्टेशन के मामले में तो ये जरूरी है कि जिसको भी जरूरी काम है, जिसको भी, ताकि वो कर सके। ठीक है शारिका जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र में फिलहाल लॉकडाउन तो लगा दिया, क्या ये सिर्फ नाम का लॉकडाउन होगा या असली में ये लॉकडाउन रहेगा? देखिए, अभी जो हालात महाराष्ट्र में चल रहे हैं उस हिसाब से तो लॉकडाउन लगना बहुत ही जरूरी था। हाँ। तो ये महाराष्ट्र सरकार ने, मैं अपनी तरफ से अगर व्यू देना चाहती हूँ, तो बहुत अच्छा किया कि अभी लॉकडाउन लगाया, नहीं तो और हालात खराब हो सकते थे। और आपने अभी ट्रांसपोर्टेशन की बात की है, तो ट्रांसपोर्टेशन खुले रहना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने पिछले साल देखा था मजदूर वर्ग कितना पलायन कर रहा था और उसे कितनी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था। तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए खुली छूट दी है वो अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहूंगी कि जो भी हमारा मजदूर वर्ग है या जो भी पलायन कर रहा है, वो अपनी सुरक्षा अपने हाथों में लेकर चले और मास्क, सैनिटाइजर और एक दूरी हमेशा बनाए रखे। ठीक है, लेकिन सारिका जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार ये भी कह रहे केंद्र से कि हमको जो है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी दी जाए, उसको लेकर लगातार वो ये आरोप भी लगातार सरकार पर, केंद्र सरकार पर उठा रही है कि जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो हमको भारी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करवा रही है। जी, मैं इसका आपको एक यही उत्तर देती हूँ, जो विपक्षी सरकार होती है, आप कितना भी कुछ कर लो ना, विपक्षी सरकार हमेशा हावी रहती है सामने वाली सरकार पर। अब वैक्सीनेशन की बात ले लो, वैक्सीन सबसे ज्यादा मुंबई में लगी है, पुणे में लगी है, लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार ने ये आरोप लगाया कि हमारे पास वैक्सीन प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रही है। हालांकि दूसरा मैटर है, वो कुछ और का है, आपने वैक्सीन बर्बाद हुई है, इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, तरीके से लोगों को नहीं लगाया गया है। ऐसे ही बात ऑक्सीजन की है, हमारे पास स्वास्थ्य मंत्री जो है हमारा सभी प्रदेशों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं और उन्होंने प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन हो या वैक्सीन हो पूरी रूप से पहुंचाई है। और उसके बाद भी इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा थोड़ा सा, ठीक है बोलिए संजय, इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा। जो सारिका जी ने कहा कि जैसे मुंबई में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन लगी और फिर भी आरोप नहीं लगाया, आपको थोड़ी सी मैं ये कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार ने ये कहा कि अगर मान लीजिए गुजरात की आबादी 6 करोड़ है और वहां पर आपने 1 करोड़ वैक्सीनेशन लगाने के लिए दी, जबकि वहां पे संक्रमण के वालों, जबकि संक्रमित लोगों की संख्या कम है, लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की आबादी 12 करोड़ है, गुजरात से दोगुनी, और वहां पर केसेस भी दुगने हैं। तो 1 करोड़ वैक्सीनेशन आपने गुजरात में दी और 1 करोड़ आपने वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में दी, तो उसको थोड़ा सा मापदंड को देखा जाए कि किस जगह पे ज्यादा देने की जरूरत है, किस जगह कम देने की जरूरत है। वहां पर मरीज ज्यादा थे तो वैक्सीन वेस्ट कैसे हो गई, मैं उसका जवाब भी जानना चाहूंगी अगर आप इतनी बात। उसका जवाब ये है, हाँ बिल्कुल, मैं हम ये भी बता देते हैं आपको, उसका एक रीजन सबसे बड़ा ये है कि महाराष्ट्र हमारे देश की एक ऐसी स्टेट है कि जिसके अंदर कई स्टेट से आकर के लोग काम करते हैं और आवाजाही ज्यादा है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, सभी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स भी यहीं वहीं पर हैं। तो जब आवाजाही ज्यादा होगा और बिजनेस का घनत्व ज्यादा होगा तो केसेस भी ज्यादा ही होंगे, तो ये रीजन है वहाँ पर केसेस ज्यादा होने के। नहीं, ये कोई रीजन तो हुआ नहीं वैक्सीन वेस्ट होने का। तो क्या रीजन है, क्या मतलब महाराष्ट्र सरकार खुद कोरोना का टीका लगा रही है? घर घर तो आप क्या मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? वैक्सीन लगनी है तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता था कि आप उन लोगों को जो 45 ईयर से अबव है उनको लेकर जाएं वैक्सीनेशन सेंटर पर और प्रॉपर तरीके से लगाएं, ताकि हमारे। ये भी कहा है हमने, तो ये भी कहा है महाराष्ट्र सरकार ने, तो ये भी कहा है कि आप जो एज आपने 45 साल से ऊपर रखी हुई है उसको 25 से 40 को भी अलाउ किया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने तो ये भी कहा है, ये दो भागे रखी है, हो जाएगा, उसमें ज्यादा देर नहीं लगने वाली है, क्योंकि हमारी हमारा निर्यात रोक दिया गया, रुक गया, अभी निर्यात रुक गया तो समझिए कि हमारे देश के लिए वैक्सीन है सारी। चलिए, आप जितनी जल्दी करेंगे उतना बढ़िया है, आप जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं और आप हम प्रशंसा करते हैं, केंद्र सरकार की प्रशंसा करते हैं, कुछ मामले हैं जहाँ। लेकिन संजय जी, महाराष्ट्र सरकार ने जो 15 दिन का लॉकडाउन लगा है, क्या आप लोग आश्वस्त है कि पिनी लॉकडाउन से जो है लगातार जो संक्रमण फैल रहा है उस पर रोक लग पाएगी?
देखिए ये एक तरह से संकेत देना है आम आदमियों को, क्योंकि आम आदमी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी लापरवाही करते हैं, मास्क नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, कोरोना के नॉर्म्स को आप फॉलो नहीं करते, तो इसलिए इस जिस तरह से केस बढ़े तो इस लॉकडाउन से एक तरह से संकेत भी है कि इस तरह का स्टेप सरकार को लेना पड़ा है, और अगर केसेस बढ़ेंगे तो इससे आगे भी स्टेप अगर सरकार को लेनी पड़ी तो एक जान को बचाने के लिए भी जो भी कदम सरकार को उठाने पड़ेंगे वो उठाए जाएंगे। ठीक है सारिका जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार तमाम जो नई गाइडलाइंस लेकर आई है, तमाम जो मिनी लॉकडाउन लेकर आई है, ऐसे में बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर आप क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? हाँ मैं देखिए ये बहुत अच्छी बात है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले ही बोला था कि दो गज की दूरी मास्क है जरूरी, जो कि हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, इसका कोई और उपचार है नहीं, इसका सिर्फ एक ही उपचार है कि दो गज की दूरी मास्क है जरूरी। सेकेंडली जो हमारी वैक्सीन लग रही है, प्रॉपर तरीके से सबको वैक्सीन लगनी चाहिए, वैक्सीन बीमारी रोकने के लिए नहीं है, वैक्सीन क्या है कि आपके बॉडी को एक सुरक्षा कवच देने के लिए है, तो वो सबको लगेगा तो ज्यादा बेटर होगा। उसके बाद भी हमें सावधानी रखनी है, वैक्सीन के बाद भी, उसके बाद भी हमें खुले में नहीं घूमना है, भीड़ में नहीं जाना है, जो जरूरी काम हो उसके लिए घर से बाहर निकले, मैं सभी देशवासियों से ये अपील करना चाहती हूँ। ठीक है लेकिन सारिका जी, जिस तरीके से पहले भी लॉकडाउन लगाया गया था पूरे देश में, संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था, ऐसे में एक बार फिर से मिनी लॉकडाउन लगा तो दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से गलतियां जो पहले की थी महाराष्ट्र सरकार ने, फिल्म्स की शूटिंग को अलाउ कर दिया था, क्या एक बार फिर से कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है कोरोना को लेते हुए उसमें सरकार जो है वो विफल हो रही है? देखिए बहुत इस टाइम महामारी का टाइम है और जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, 15 दिन के लिए लॉकडाउन है, मैं इस चीज की के समर्थन ही करती हूँ कि अभी थोड़े टाइम के लिए इसको रोक दिया जाए, क्योंकि वैसे मैं मानती हूँ कि देखिए हमारी आर्थिक व्यवस्था बिगड़ेगी इससे, क्योंकि जब तक ये सब चलेगा तो ये सब हमको करना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, लेकिन थोड़ा टाइम के लिए हमें वेट एंड वॉच भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जान है तो जहान है। ठीक है, आप दोनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए आर्य न्यूज़।